बिग बॉस का खुमार इन दिनों फैंस के साथ साथ सेलेब्स के सिर चढ़कर बोल रहा है। शो में कंटेस्टेंट की लड़ाई, प्यार और दोस्ती को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बिग बॉस 11 में अपने अदाओं से फैंस को दीवाना बनाने वाली अर्शी खान भी बिग बॉस 15 को फॉलो कर रही हैं। हाल ही में एक इवेंट में मौजूद अर्शी से जब बिग बॉस के इस सीजन के बारे में बात की गई तो उनका कहना था, जितना वक्त मिलता है मैं देखती हूँ। कौन है इस सीजन का फेवरेट? माय फेवरेट, आई लाइक शमिता शेट्टी। और मतलब सारा भी पसंद है एक्चुअली। वो कुछ तो कर रही है ना, मजेदार कर रही है, बट सो दिस इज सो कंटेंट ना, अच्छा कर रही है, मुझे अच्छा लगता है। तो अफसाना शमिता हो गया, प्रतीक है, प्रतीक मुझे बहुत पसंद है, और तेजस्वी है, सब अच्छे हैं, मतलब सब अपने अपनी जगह पे ठीक है। वेल अर्शी, ये सीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट नहीं निकल गया? कनेक्शंस बन गए, लड़ाइयाँ हो रही है इतनी ज़्यादा, लगता है कहीं ना कहीं सारे प्लानिंग और प्लॉटिंग करके अंदर गए हैं इस सीजन में। कितना दिन चलेगा ड्रामा, कितना दिन प्लॉटिंग चलेगा, वो सब चला जाता है 20-25 दिन के बाद, सब डाउन पे जाता है। फिर नए रिलेशंस बनते हैं, नए अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के अंदर, वो सब बदलता जाता है। कुछ ही लोग होते हैं जो एक के साथ टिके रहते हैं। लेकिन टीआरपी भी अभी काफी कम हो गई है बिग बॉस की। ऐसा क्या, सलमान साहब है ना, वीकेंड के बाद भी अच्छी आ रही है ना। मैं तो हर सीजन में जाने का इरादा है। प्रतीक अच्छा कर रहा है, शमिता बहुत अच्छा कर रही है, और अब सारा शुरू के हफ्ते में कंटेंट अच्छा दी, मतलब लड़ाई झगड़े हुए डेफिनेटली होते हैं। और किसका तेजस्वी अच्छा कर रही है, और जय भानुशाली जिस तरह से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं घर के अंदर, कितना एंटरटेनिंग लग रहा है। मैं जय को पहले देखती थी, मुझे जय अच्छा लगता था, लेकिन जय की थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ऐसी कुछ अजीब सा बोलते हैं वो, मतलब मैं थोड़ी हैरान हो गई, बट आई लाइक इट, मुझे पसंद है वो। मतलब मैंने उनकी पहली बार ऐसे ओपनली देखा है, मतलब बातचीत के उसमें तो अच्छे लगे मुझे, ठीक है वो, लेकिन कुछ ज्यादा सोचते हैं। वहीं बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा रहे जीशान खान भी बिग बॉस के बड़े फैन हैं। उनसे जब बिग बॉस के इस सीजन के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, थोड़ा बहुत बिग बॉस ओटीटी का पार्ट रह चुका हूँ, बिग बॉस 15 थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा हूँ, बट हाँ जो ओटीटी में हो रहा है, एक्चुअली ओटीटी ये होना चाहिए, वो नहीं, ये हो रहा है ओटीटी, बट ठीक है, जैसा भी है, इट्स ऑल गेम्स, ऑल गुड, एंड अब व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज हम यहाँ से लाइफ में कहाँ जाए। सो या आई थिंक मुझे जहाँ तक जितना भी मैंने देखा, आई थिंक मुझे उमर और सिम्बा का गेम बहुत अच्छा लग रहा है, दीज गाइज आर प्लेइंग अमेजिंग। हाँ मतलब बिकॉज यार मेरा भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं है कि झगड़े करने से लड़ाई करने से ही आप दिखोगे, हाँ बेशक आप दिखोगे, बट आप किस लाइट में दिखोगे, राइट? तो रादर देन यू नो गोइंग विद दैट माइंड सेट, आई थिंक उमर एंड सिम्बा बींग हु दे आर, वो लोग फुकट लड़ नहीं रहे हैं कि भाई मुझे फुटेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आई थिंक उमर एंड सिम्बा आर डूइंग अ गुड जॉब एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, तेजस्वी और करण कुंद्रा का गेम है का किस तरह से आप देख रहे हैं? मैंने देखा यार, मैं इस पर ना ही कमेंट करूँ तो अच्छा है, बिकॉज जैसे चीज़ें मेरे साथ भी हुई है बिग बॉस में, वो उससे आई थिंक 10 गुना ज़्यादा चीज़ें यहाँ हुई है, बट जनता सब देख रही है, मैं क्या ही बोलूँ गाइस। वहीं वीकेंड के वार एपिसोड में दर्शकों के मनोरंजन के साथ साथ कुछ हाई एक्शन ड्रामा देखने को मिला। एक तरफ जहां सलमान खान द्वारा जय भानुशाली और करण कुंद्रा की उनके पिछले हफ्ते की मनमानी के लिए क्लास लगाई, वहां दूसरी तरफ बिग बॉस के घर के बीरबल यानी विशाल कोटियन पर भी सभी घर वालों ने मिलकर हमला बोल दिया। फिलहाल इस घर में शमिता शेट्टी के अलावा कोई भी विशाल को सपोर्ट नहीं कर रहा।
आज बिग बॉस के घर में देखना काफी दिलचस्प होगा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद शो में क्या खलबली मचती है। INS रिपोर्ट।